हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका ऑन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईज की क्विज, जो कि हमारी यहाँ पे अप्रैल मंथ की चल रही है। तो एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग इन्वायरमेंट की टॉपिक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बताने कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए, और मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा। प्रीवियस लेसन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग हर एक मंथ के यहाँ पे क्विज को सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। आपको करेक्ट बताने की तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर है हमारी इंडिया की। सेकेंड है कि इसकी एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, रामेश्वर से टूटीकोरिन तक। थर्ड है कि ये इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर। तो आपको करेक्ट बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स के अगर आप लोग लोकेशन जान रहे हो तभी आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे यहाँ की पहली मैराइन बायोस्फीयर है। सेकेंड वन इज़ ऑल्सो करेक्ट, अगर आप लोग इसको मैप में देखे हो तो ही आप लोग को ये पता चल पाएगा। एंड थर्ड तो ये करेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है, यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में आप लोग देखिए कि ये रामेश्वर से टूटीकोरिन तक है। यहाँ पे टोटल 21 आइलैंड है और ये फर्स्ट इंडिया की मैराइन नेशनल पार्क है जो कि इंटरनेशनली यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर। IUCN की कमीशन जो नेशनल पार्क में है और WWF जो है वो भी इस रिजर्व को आइडेंटिफाई करिए, वो भी एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा और इस एरिया का मल्टीपल यूज़ भी होता है। आइए एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हो ये हमारी टूटीकोरिन है, ये तमिलनाडु वाला यहाँ पे एरिया है, ये पूरी तरीके से ये हमारी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स है। आइए मैं थोड़ा सा लोकेशन दिखाती हूँ, थोड़ी ब्लर ये आपकी पिक है बट मैं यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाना चाहती हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व्स है कहाँ गल्फ ऑफ मन्नार की। तो ये यहाँ है श्रीलंका और आपकी तमिलनाडु के बीच में। ओके, अब यहाँ पर इसकी एक्सटेंड भी देख लीजिए, ये आपका जो है तमिलनाडु वाला रीजन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रामेश्वरम से जो है टूटीकोरिन तक ये आपका पूरा एक्सटेंड है बायोस्फीयर रिजर्व से। यहाँ पे 21 टोटल आइलैंड है और ये हो गई गल्फ ऑफ मन्नार। इसके ऊपर आपको पार्क बे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि ग्लोबल जियो पार्क ये समटाइम्स न्यूज़ में होती है तो ये किसके द्वारा मैनेज की जाती है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, यूनेस्को, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो ग्लोबल जियो पार्क की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारी बी है, यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इसको यहाँ पर मैनेज किया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर चूज़ करी है कुछ हेरिटेज लोकेशंस जो कि महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, और वो यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस के अंदर आती है। जियो पार्क टैग जो दिया जाता है ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट ही होती है कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को, और ये इंडिया की फेम लेकर आती है, यानी कि ग्लोबल स्टेज में नेम एंड फेम होता है इस तरीके के साइट से। ये जो साइट से ये लोनार लेक जो महाराष्ट्र की है उसको चूज़ किया गया, और साथ ही सेंट मैरी आइलैंड और मालपे बीच जो कि आपके कोस्टल कर्नाटक में है उसको यहाँ पे चूज़ किया गया यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस। तो ये दोनों भी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए यहाँ पे लोनार लेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट है कि लोनार लेक जो है ये नोटिफाइड किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। सेकेंड है कि ये फॉर्म्ड हुआ है क्यों, क्योंकि रैपिंग और फ्रैक्चरिंग जो कि अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिला। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑब्वियस करेक्ट है क्योंकि अभी हम लोग देखें, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो गई। ओके, अब आइए थोड़ा देख लेते हैं, लोनार लेक जो है ये नोटिफाइड तो किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट और ये लोकेटेड कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोनार लेक की बात करूँ तो ये एक एस्ट्रॉइड कोलिजन्स के द्वारा बना है, और ये आप देखोगे क्योंकि ये पैलियोलिथिक जो ये आपका इपॉक था उसी टाइम में ये जो एस्ट्रॉइड कोलाइड की थी उसी के द्वारा यहाँ पे आपका लोनार लेक बना है। इसको जो है यहाँ पे जो जाना जाता है ये फोर नोन के लिए जाना जाता है, चार चीज़ों के लिए, हाइपर वेलोसिटी, इम्पैक्ट क्रैटर जो कि यहाँ पर बेसल्टिक रॉक्स कहीं भी है इसके लिए यहाँ पर जाना जाता है। जो अदर थ्री यहाँ पर बेसल्टिक इम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो सदर्न ब्राज़ील में देखने को मिलता है, और लोनार क्रैटर की बात करूँ तो ये डेक्कन प्लेटू के अंदर में है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताने कि कौन सी इंडेमिक स्पीसीज है वेस्टर्न घाट की। इंडेमिक मीन्स की जो यहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न घाट वाले रीजन में ही मिलती है। नीलगिरी थार, लायन टेल्ट मकाओ या फिर पर्पल टाइप
फ्रॉग, सॉरी पर्पल फ्रॉग, तो आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है पर्पल फ्रॉग के बारे में, क्योंकि ये दोनों तो पहले भी न्यूज़ में थी बट अभी रिसेंटली आपका जो यहाँ पे रिसर्च होकर यहाँ पे निकला है जो वो यहाँ पे न्यू आपको एपिडेमिक स्पेसिस मिली है वो है पर्पल फ्रॉग। तो मेनली इसी के बारे में पूछा जा रहा है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, सारी ये आपके एपिडेमिक स्पेसिस है जो कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन, यहाँ पे है गोल्डन लंगूर के बारे में। विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज है इंडिया की, ये सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। थर्ड है कि ये लिस्टेड है अपेंडिक्स वन जो कि साइट्स की है, और स्कीड्यूल वन जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फिफ्थ की यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पे जो करेक्ट है ये देखिए सिर्फ ओनली लगाया गया है और ये बोला जा रहा है कि सिर्फ इंडिया में ओनली है, तो गोल्डन लंगूर तो हम लोग कभी नहीं सुने कि सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। एक बार आप जब इसको एलिमिनेट कर दोगे सेकंड स्टेटमेंट को तो आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच जाओगे, विच इज़ वन एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गोल्डन लंगूर की, तो इसको गोल्डन जी गोल्डन लंगूर है, इसको गोल्डन लंगूर भी कहते हैं। ये सबसे पुरानी वर्ल्ड की मंकी है जो कि स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न आसाम, इंडिया और नेबरिंग फुटहिल्स में भी पाई जाती है जैसे भूटान में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज है। इसके लिस्ट आप देखोगे तो साइट्स के अपेंडिक्स वन में है, यानी कि इसका जो है आप लोग इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, यानी कि बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाता है, स्कीड्यूल वन में है, तो ये याद रखिएगा। करेंटली ये इंडेंजर्ड है और करेंट पॉपुलेशन जो है इसकी डिक्रीज होते जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये आपका एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बॉर्न कन्वेंशन। तो यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये आपको बताना है कि किसके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। यस इट इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पे डेडिकेटेड फंड है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कि उनके यहाँ जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन है वो यहाँ पे रिड्यूस कर सकें, अपनी एबिलिटी को इन्हेंस कर सकें, जिससे कि जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको 2010 में सेटअप किया गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करूं तो काफ़ी क्रूशियल रोल ये प्ले करती है पेरिस एग्रीमेंट में, जिसमें ये कहा गया था कि वर्ल्ड की जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सेवन क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है आपको बतानी है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो मेन एम है इस प्रोग्राम का वो ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10 की कंसंट्रेशन को यहाँ पे कम करना है 2024 तक, और यहाँ पे 2009 को बेस ईयर यहाँ पे लेना है जिससे कि बेटर यहाँ पे कंपेयर कर सके। सेकंड है कि 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज है जिनको कि अब तक आइडेंटिफाई किया गया है और ये मिटिगेशन एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम के तहत, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड और बोथ या फिर नीदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो दी हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल एक्शन एयर प्रोग्राम, और ये एक टाइम बाउंड आपका नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है जो कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा हो गई थी उसी को टैकल किया जाएगा। बात तो ये है कि आपका फर्स्ट 5 ईयर एक्शन प्लान है, 2019 यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, मेन एम यही है कि 20-30% रिडक्शन करना है PM 2.5 और PM 10 में, और वो भी यहाँ पे 2024। ये जो आपका प्रोग्राम लिया गया है इसमें बेस ईयर 2017 है ना कि यहाँ पे 2019, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। ओके, बाकी यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। अब आगे आते हैं और 8 क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट आपको बताने की करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट में जो रिन्यूएबल एनर्जी कनेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, और ये जो है इससे क्या हो रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड की इमिशन इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ये वार्मिंग पोटेंशियल है अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में देखें तो। थर्ड है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ये परसिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में लॉन्गर टाइम तक। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है हेक्साफ्लोराइड के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसकी यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देख लो SF6 है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जिससे कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है और जो एक्सीडेंट होती है उसको प्रिवेंट कर सके। चीप है ये, बहुत ही सस्ता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और सिंथेटिक गैस है ये। काफ़ी इसका जो है आप देखते हो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ये लार्ज पावर स्टेशन से विंड टर्बाइन में और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल सब सेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ में यूज़ होती है। लेकिन ये जो आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जब एक बार ये गैस निकलती है तो एटमोसफेयर में बहुत लंबे समय तक होती है, तो इससे जो क्या होता है ना कि अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ये वार्म हो जाती है। ओके, तो आगे बढ़ते
और ये चीज़ यही बताई जा रही है, जैसे कि अभी मैं बताई कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक होती है, इससे अर्थ हमारी बहुत गर्म होती है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इतने पावरफुल वार्मिंग गैस को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे जो है ना शॉर्ट सर्किट रुकती है, ठीक है। आप लोग बेसिकली देखते हो कि कोल फायर्ड पावर स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स हम लोग कोयले वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अगर रिन्यूएबल एनर्जी देखें तो इसमें विंड, सोलर और गैस है, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बहुत जल्दी ही इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह, कोई भी एक्सीडेंट होने की चांसेस कम होती है। नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं, ये है एरोजोल से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, कि कुछ एरोजोल्स रिफ्लेक्टिव होते हैं, जब सन रेज इसमें पड़ती है तो ये जो है ना बाउंस बैक कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर सन रेज आती है तो ये अधिकतर जो है बाउंस बैक कर देते हैं और ये फिर जो है वापस से एटमोसफेयर में चला जाता है। सेकेंड, कि मिस्ट, डस्ट, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट और स्मोक जो है वो एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक पॉजेनिक यहाँ पे एरोसोल का। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट, सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल ही करेक्ट है, लेकिन सेकेंड आप लोग देख रहे हो कि ये क्या एंथ्रोपोजेनिक हमारे जैसे बनाए गए एरोसोल का ये है, मिस्ट, डस्ट या पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट, ये तो नेचुरल है ना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। एक एरोसोल जो है ना ये सस्पेंशन है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स की, लिक्विड ड्रॉपलेट की, जो कि एयर में देखने को मिलेगा। एरोसोल को ये भी आपका नेचुरल भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती है। नेचुरल एरोसोल क्या क्या है तो ये देख लीजिए, फॉग, मिस्ट, डस्ट और फॉरेस्ट एक्सीड्यूट्स और यहाँ पे गीजर स्टीम है। वही एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल की बात करूँ तो ये पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट है और स्मोक है। तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आते हैं टेंथ क्वेश्चन में, वन हेल्थ कंसेप्ट, समटाइम्स ये न्यूज में होती है और हम लोग भी अभी पढ़े थे वीजन आइज की। अगर मार्च मंथ की मैगजीन्स आप लोग देखे हो तो उसमें मैं वन हेल्थ की कंसेप्ट अभी लास्ट टाइम ही डिस्कस की थी, तो इसमें अब आप लोग की रिविजन हो सकती है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सब पहली है कि यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने की स्ट्रैटेजी है। सेकेंड है कि हेल्थ इंश्योरेंस देना है सारे लोगों को। थर्ड है कि इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ में। फोर्थ है कि प्रायोरिटाइजिंग होनी चाहिए ह्यूमन हेल्थ में, वो भी आप यहाँ पे एनिमल हेल्थ के ऊपर, यानी कि ये तो समझ ही रहो कितना वेग सा स्टेटमेंट है कि यानी कि हम लोग को एनिमल हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है, उससे ज़्यादा हम लोग को ह्यूमन हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वन हेल्थ कंसेप्ट का यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, इट मीन्स कि वन हेल्थ यहाँ पे कंसेप्ट होना चाहिए जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट की हेल्थ हो, चाहे एनिमल की हेल्थ हो, चाहे ह्यूमन की हेल्थ हो, तीनों की हेल्थ का हम लोग एक तरीके से एक इक्वल तरीके से यहाँ पे ध्यान रख सकें। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, कॉमनली इसको OIE कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे समराइज किया है वन हेल्थ कंसेप्ट का, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ ये इंटरडिपेंडेंट है और ये बाउंड है हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम में जिसमें कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से, जो कि यहाँ पे पीट लैंड के बारे में। तो आपको बतानी है कि 10 में से आपको कितने मार्क्स आए, और साथ ही साथ अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल होती है, अच्छी लगती है तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो यू कैन कमेंट मी एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।